तो आज हम डिस्कस करेंगे कलेक्शन फ्रेमवर्क के बारे में, जो कि एक जावा का फ्रेमवर्क है कलेक्शन। तो बेसिकली इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट में देखते हैं कि एक्चुअली में जो कलेक्शन फ्रेमवर्क है जावा का, वो है क्या चीज़। ओके, सो द कलेक्शन फ्रेमवर्क इन जावा प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ इंटरफेसेस एंड क्लासेस फॉर स्टोरिंग एंड मैनिपुलेटिंग ग्रुप ऑफ डेटा। तो जो कलेक्शन फ्रेमवर्क होता है जावा, मतलब प्रोवाइड कराता है इंटरफेस और क्लासेस को, जिसका यूज करके हम डेटा को स्टोर करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। जैसे कि वो हम डेटा को डालना, इंसर्ट करना, अपडेट करना और उसको डिस्प्ले कराना, इस तरह के चीज़ें हम कर सकते हैं। सो इट प्रोवाइड्स द यूनिफाइड आर्किटेक्चर फॉर रिप्रेजेंटिंग एंड मैनिपुलेटिंग कलेक्शंस। ओके, विच मेक्स इट ईजियर टू राइट रियूजेबल कोड दैट कैन वर्क विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलेक्शन। एंड वो जो कलेक्शन जो फ्रेमवर्क है, ये एक तरह से हमारे पास जो डेटा स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट होते हैं, उन्हीं को एक कलेक्शन का फॉर्म बना दिया जाता है। अलग अलग क्लासेस बना दिए जाते हैं, इंटरफेस बनाया जाता है, उसके अंदर क्लासेस बना दी जाती है, जिसका यूज करके हम रियूजेबल कोड लिख देते हैं। एफिशिएंटली हम अपने डेटा स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट को मैनेज हैंडल कर सकते हैं और इसका इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे हमारा टाइम बचेगा, रियूजेबल कोड भी लिखेगा और एफिशिएंट कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे दूसरे मैटर करती है। ओके, और की फीचर्स की बात की जाए तो इसमें पहला की फीचर हमारा इंटरफेस है। द कलेक्शन फ्रेमवर्क प्रोवाइड सेवरल इंटरफेसेस सच एज लिस्ट, सेट, क्यू, मैप, विच डिफाइन द बिहेवियर एंड फंक्शनलिटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलेक्शन। और इन्हीं इंटरफेसेस से कनेक्टेड रहता है हमारा क्लास। ठीक है, सो तो अगला पॉइंट हमारा है इम्प्लीमेंटेशन। द कलेक्शन फ्रेमवर्क ऑल्सो प्रोवाइड वेरियस कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज इंटरफेसेस। जो सारे इंटरफेसेस से लिस्ट, सेट, क्यू एंड मैप, उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें क्लासेस बनाई गई है। ओके, तो उन उन सारे चीज़ों को हम कहते हैं एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, हैश सेट, मैप, हैश मैप, और जो एरे डी क्यू, इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि मतलब इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है हमारे इंटरफेस को, कि जो इंटरफेस बनाए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके बाद से अगला पॉइंट है हमारा एल्गोरिदम। द कलेक्शन फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ एल्गोरिदम्स दैट कैन बी अप्लाइड टू एनी कलेक्शन, सच एज सॉर्टिंग, सर्चिंग एंड शफलिंग, और डिलीट भी करते हैं और अपडेट करते हैं, क्या क्या पोस्ट पॉप, सारी चीज़ यहाँ पे होते हैं, बशर्ते वो सारे जो एल्गोरिदम्स होते हैं, हम जो डेटा में कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, पढ़ते हैं, बहुत लंबे लंबे कोड लिखते हैं, जिससे एक फॉर्म कराने के लिए, फीफो लिफो जैसे ऑपरेशन के लिए, तो उन सारी चीज़ों के लिए हम एक यहाँ पे इंटरफेस मतलब देखेंगे। उसके अंदर हम मेरे इम्प्लीमेंट करते हैं क्लासेस को, और जो कि जेनरिक क्लासेस यूज करते हैं, उसके बाद से हम उसको बिना उतना लंबा कोड लिखे हुए डेटा स्ट्रक्चर के, उनको डायरेक्टली जो कन्वेंशन बनाए गए हैं उनको यूज करके हम सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर पाते हैं। ओके, सो इसके एडवांटेज क्या है कलेक्शन फ्रेमवर्क के? एडवांटेज तीन चार यहाँ पर कुछ एडवांटेज नोट की गई है, जैसे कि रियूजेबिलिटी, एफिशियंसी, टाइप सेफ्टी, इंटरऑपरेबिलिटी। ओके, अगर डिसएडवांटेज की बात की जाए तो सबसे पहला डिसएडवांटेज कॉम्प्लेक्सिटी, ओवरहेड, मेमोरी यूजेज आता है। ठीक है, लेकिन इन सारे चीज़ों के, इनके पास जो जो इनकी एडवांटेजेस है ना, इनकी वजह से इनको निगलेक्ट कर दिया जाता है, मतलब है, लेकिन इनको मतलब अगर उतना मतलब इसका एडवांटेज मिल रहा होता है तो इसका यूज करना ही बेहतर होता है। ठीक है, सो अगर हम हायरार्की देखें अपने कलेक्शन फ्रेमवर्क की, तो एक कलेक्शन का पार्ट हो गया हमारा, जिसके ये हमारा एक इंटरफेस हो गया, सुपर इंटरफेस, इसके ऊपर जैसे कि आइटरेटर हो गया, ठीक है, उससे कनेक्ट हमारा कलेक्शन होता है। ठीक है, और इसके सब इंटरफेसेस होते हैं लिस्ट, क्यू और सेट। ओके, और लिस्ट में हमारे आ जाते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए इम्प्लीमेंट्स एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, और इससे वेक्टर से हमारा एक्सटेंड किया जाता है स्टैक को। ओके, जो कि वो डिटेक्शन स्टैक और क्यू जो होते हैं वही चीज़ है। और यहाँ पे जो कलेक्शन का जो दूसरा हमारा सब कलेक्शन है इंटरफेस है, दूसरा सब इंटरफेस है, उसमें एक क्यू है। ठीक है, और इसमें सीधे इंप्लीमेंट किया जाता है प्रायोरिटी क्यू को। ओके, और इसमें इसका एक इंटरफेस डी क्यू है। ठीक है, और उसमें हम एक इंप्लीमेंट करते हैं एरे डी क्यू को। ओके, सो ये सारे जो हम इंप्लीमेंट जो करते हैं, इनको एक क्लास के फॉर्म में राइट करते हैं, ठीक है, जेनरिक क्लास के फॉर्म में, और उनको आगे हम इंप्लीमेंट करके भी देखेंगे बेसिकली। सो अगर सेट की बात की जाए तो सेट में हम इंप्लीमेंट करते हैं सीधे हैश सेट को और लिंक्ड हैश सेट को, और
इसके सेट का सबसे मतलब सब इंटरफेस बात करें तो एक आ जाता है सॉर्टेड सेट, ठीक है, जो इम्प्लीमेंट करता है ट्री सेट को। तो बेसिकली सारे कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं यहाँ पे कवरअप हो जाते हैं जो एल्गोरिथम डेटा स्ट्रक्चर में हम यूज करते हैं, ठीक है। वहीं अगर मैप को जो अलग किया गया है मैप इंटरफेस को, ठीक है, जिसमें कुछ को इम्प्लीमेंट किया जाता है कुछ को एक्सटेंड कर लिया जाता है, तो इम्प्लीमेंट करने वाले में हैश मैप लिंक हैश मैप और हैश टेबल को हम सीधे इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके बाद एक्सटेंड करते हैं मैप से सॉर्टेड मैप को सब इंटरफेस के फॉर्म में, और उससे हम सीधे हम एक्सटेंड ये हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं ट्री मैप को। ओके, तो मैप भी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे मतलब कवर अप कर देता है, हैशिंग वाला कॉन्सेप्ट को, और सेट वाला तो कन्वर्ट करता ही है। उसके बाद से क्यू से हम वो जो क्यू का मतलब ऑपरेशन कर लेते हैं, और लिस्ट में हमारा स्टैक आ जाता है और एरे लिस्ट लिंक लिस्ट आ जाता है वेक्टर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका कलेक्शन फ्रेमवर्क हायरार्की था। ओके, तो यहाँ पे जो यूज करने के लिए तरीका होता है जिसको बनाया गया है उसमें जेनरिक क्लासेस यूज करते हैं। बेसिकली जेनरिक क्लासेस होती क्या है, तो जेनरिक क्लासेस आर क्लासेस दैट कैन बी पैरामीटराइज्ड विद वन और मोर टाइप, दे अलाउ यू टू क्रिएट रियूजेबल कोड दैट कैन वर्क विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा विदाउट हैविंग टू री राइट द कोड फॉर ईच टाइप। सो बेसिकली अगर कन्वेंशन दिखा देखा जाए कि मतलब कैसे, जैसे कि एक हमारा एक वे हो गया, ठीक है, यहाँ पे हम एक टाइप दे दिए, ठीक है, तो ये हम एरेलिस्टिक क्लास को हम एक इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर हमें जेनरिक क्लास के फॉर्मेट में एक सोपल जिसको एंगल ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद से हम क्या करते हैं, इसके पहले कि वेरिएबल जो असाइन किया जाता है उसके पहले हम एक टाइप देते हैं कि किस टाइप का हम डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं इसमें। ओके, तो ये एक कन्वेंशन, नेमिंग कन्वेंशन हो गया जेनरिक क्लास के लिए। बाकी हम जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो मतलब क्लियर देख पाएंगे कैसे कि जेनरिक क्लास से आता है उसमें डेटा टाइप को दिया जाता है, उसके बाद से एक ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। सो इसको बनाने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि डायरेक्टली हम उसको इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, इसलिए कुछ क्लास बनाए क्लासेस को हम एक्सटेंड करते हैं और ऑब्जेक्ट तब बनाते हैं उसके बाद से हम डायरेक्टली इनके जो मेथड्स हैं अलग अलग उनको हम यूज करते हैं। ओके, तो कलेक्शन फ्रेमवर्क से पहला जो हमारा सब फ्रेमवर्क था सब इंटरफेस था लिस्ट वाला। ओके, कलेक्शन के बाद तो लिस्ट के बारे में हम समझते हैं कि लिस्ट क्या है। ओके, सो अ लिस्ट इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स दैट अलाउज डुप्लीकेट। सो बेसिकली अगर लिस्ट की बात की जाए तो एक ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है जो कि ऑर्डर में वो एलिमेंट को स्टोर कराता है, बट यहाँ पे एक चीज़ है कि ये डुप्लीकेट वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेता है। ओके, और आपकी एक के हम जब देखेंगे सेट जहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू नहीं करता है, क्योंकि सेट का प्रॉपर्टी कहता है कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होती है। ओके, सो बेसिकली लिस्ट एक ऑर्डर्ड एक कलेक्शन होता है जो अलाउ करता है, जो एक्सेप्ट करता है डुप्लीकेट वैल्यू को, एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। इट इट एक एक्सटेंड्स और इनहेरिट फ्रॉम द क्लासेस इंटरफेस द कलेक्शन इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो इसको हम एक कलेक्शन इंटरफेस जो होता है उसको, जैसे कि अभी हम बताया कि जो हमारा लिस्ट जो होता है वो सब इंटरफेस होता है कलेक्शन का, ठीक है। तो कलेक्शन को इनहेरिट किया जाता है या फिर एक्सटेंड किया जाता है लिस्ट के फॉर्म में। उसके बाद से हम क्लासेस को यूज करके हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। इट कंटेन्स ऑल द एग्जिस्टिंग कलेक्शन मेथड्स एंड इट हैज ऑल्सो सम एक्स्ट्रा मेथड, क्योंकि ये डुप्लीकेट वैल्यू को भी मतलब एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है, और ऑर्डर में रहता है। तो इसके पास एक इंडेक्स मिलता है जिसकी वजह से जो मतलब मेथड नॉर्मल जो लिस्ट के मेथड तो होते हैं वो कंटेन करता ही है, मतलब कलेक्शन के जो जो होते हैं वो मेथड कंटेन करता है, लेकिन सब एक्स्ट्रा मेथड भी कुछ यहाँ पे कंटेन करता है। ओके, सो एलिमेंट्स कैन बी एडेड एंड रिमूव फ्रॉम एनी पोजिशन एट द लिस्ट। ओके, क्योंकि ये इसके पास इंडेक्स को रहता है इसके पास, तो इसके पास इंडेक्स को हम यूज करके हम कहीं से भी एलिमेंट को गायब कर सकते हैं, कहीं पे डाल सकते हैं, ठीक है। लिस्ट में जो बात की जाए दो अलग अलग चीज़ों को जो कि सबसे ज़्यादा यूज होता है वो है एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट। इसका साथ साथ वेक्टर भी आएंगे और स्टैक भी आएंगे, तो वो इसको अलग से सबसे लास्ट में देख लेंगे, बट मेनली जो यूज होता है एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट, तो उनके एग्जाम्पल यहाँ पे हम खास तौर से देखेंगे। बट यहाँ पे कुछ एक मतलब कन्वे देख सकते हैं कैसे लिखा जाता है इसको। ओके, कलेक्शन के यूज करके उसमें ये हमारा हो गया कलेक्शन सब कलेक्शन जो लिस्ट हो गया। ओके, ये यहाँ पर डेटा टाइप हो गया, किस डेटा के लिए हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है, न्यू कीवर्ड के साथ।
उसके बाद से ये हमारा क्लास हो गया एरे लिस्ट, ये एंगल ब्रेसेस। तो ये मतलब कन्वेंशन है कि कैसे हम किसी कलेक्शन के सब कलेक्शन को जो हम यूज करके हम उसको एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं क्लास के यूज, मतलब क्लास के यूज करके जो हमारे कलेक्शन होते हैं उनके सब कलेक्शन जो है जैसे लिस्ट हो गया, ठीक है, उनका ऑब्जेक्ट कैसे बन जाएगा। तो क्या करेगा, एक यहाँ पर हम एक क्लास यूज करेंगे जिसके जिसके हेल्प से हम उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और उस ऑब्जेक्ट में सारे जितने मेथड्स सारे परफॉर्म कर सकते हैं आसानी से। जैसे कि यहाँ पे एड वाला परफॉर्म किया गया है कि एड करने से मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट बना हुआ है इसमें हमारा ये सारे जो एलिमेंट है वो ऐड होते जाएंगे, ठीक है। तो ऐड करने के लिए सिंपल डॉट ऐड कर किया था जिससे ऐड होते हैं, और ये अगर हम कोई नंबर नहीं देते हैं, कोई इंडेक्स नहीं देते हैं, तो वो एक के बाद एक सिक्वेंसली अपने ऑटोमेटिक ऐड करते जाते हैं। वहीं अगर शो करना होता है डायरेक्टली हम उस ऑब्जेक्ट को हम प्रिंट करा लेते हैं तो सारा प्रिंट हो जाता है। ओके, तो लिस्ट कलेक्शन के पास कुछ डिफाइंड पहले से मेथड्स होते हैं, ठीक है, और इसमें इसके पास इंडेक्स भी होता है, तो इसके वजह से इसमें कुछ एक्स्ट्रा मेथड्स भी आते हैं, ठीक है। लिस्ट कलेक्शन है कुछ एक्स्ट्रा मेथड ये वाले हैं जो कि थोड़ा सा इसको मतलब एक्स्ट्रा देते हैं चीज़ें हम करने को, ठीक है, क्योंकि ये डुप्लीकेट वाले भी एक्सेप्ट कर सकता है और इंडेक्स भी होता है। तो वहीं अगर सेट की बात की जाए तो वो सिंपल सा ये इतना ही रहता है। ओके, ये सारे जो लिस्ट कलेक्शन मेथड इतना ही रहता है, इसके एक्स्ट्रा मेथड नहीं रहते उसमें। ओके, तो ये सारे हमारे लिस्ट का जो मेथड हैं उनको हम एक बार एक एक करके हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और देखते हैं कि कैसे मतलब ये शो करता है, कैसे परफॉर्म करते हैं। तो हमने इक्लिप्स को अपना सेटअप कर ही लिया है, इक्लिप्स को ओपन करते हैं और इसमें हमें इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तब तक इन सारे मेथड को थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। जैसे कि एड मेथड है, ठीक है, अगर हम ऐड करते हैं उसमें एलिमेंट देते हैं तो एलिमेंट एक तरह से सबसे लास्ट स्टेज, जैसे कि मान लीजिए कोई हम ऑब्जेक्ट बनाए उसमें पहले तो कोई एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। अगर उसमें कोई एलिमेंट हम जैसे ऐड करके और यहाँ पे उस एलिमेंट को डालते हैं तो उसमें सब जीरो वाले पॉइंट पे हमारा वो एलिमेंट ऐड होगा, अगर उसके बाद से हम फिर से कोई एलिमेंट ऐड करते हैं तो वन पे होगा, मतलब एक के बाद एक सिक्वेंशियल में मतलब उसके लास्ट में ऐड होता चला जाता है, होता चला जाता है, ठीक है। दूसरा मेथड है एड ऑल। एड ऑल में क्या होता है कि एक के सपोज कि हम एक दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एक ऑब्जेक्ट में पहले से पांच एलिमेंट हैं, ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, उसके बाद से उसमें हम एड ऑल मेथड लगा रहे हैं, उसके बाद से एक कलेक्शन लिखते हैं और उसके बाद से उस ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है कि जो नया हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसमें पहले वाले ऑब्जेक्ट का सारा एलिमेंट ऐड हो जाते हैं। वहीं पे इसमें एक्स्ट्रा मेथड जब देखेंगे ना तो क्या होता है कि एड ऑल तो होता ही है लेकिन एक पर्टिकुलर इंडेक्स देते हैं कि जो हम दूसरे मतलब किसी दूसरे कलेक्शन का जो हम एलिमेंट लेकर आ रहे हैं वो हमारे नए वाले एलिमेंट के किस पॉइंट से वो डेटा को ऐड करें, तो वो ये एक्स्ट्रा मेथड में चला जाता है, ठीक है, उसको आगे देखेंगे। उसके बाद से रिमूव के लिए रिमूव ऑब्जेक्ट देंगे, तो जो भी सबसे पहले मैच करेगा ऑब्जेक्ट से उसको रिमूव कर देगा, रिमूव ऑल से पूरा हमारे कलेक्शन को जो होगा उसमें रिमूव कर देगा डेटा को उसमें का, ठीक है। रिटेन ऑल, रिमूव ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द कलेक्शन दैट आर नॉट प्रेजेंट इन कलेक्शन सी। तो मतलब ये कंपेरिजन करता है, जैसे कि हमारे इसे जो दूसरे कलर से यूज करते हैं उसमें क्या करते हैं, कंपेरिजन करते हैं कि उसमें अगर कोई डेटा ये वाला ना हो तो उसको हटा दो, ठीक है, क्लियर से सारे हम एलिमेंट क्लियर कर सकते हैं। एमपीटी के लिए चेक करते हैं कि हमारा डेटा एमपीटी है कि नहीं, एमपीटी है कि बेसिकली एक ट्रू फॉल्स का वैल्यू देता है। ओके, कंटेन मतलब जो हम एक ऑब्जेक्ट देते हैं कंटेन करते हैं, ठीक है, कि ये ऑब्जेक्ट उसमें एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, तो बेसिकली एक ट्रू फॉल्स वैल्यू देता है जब कंटेंट्स यूज करते हैं। कंटेंट्स ऑल जैसे कलेक्शन एक होता है, ठीक है, रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स इफ द कलेक्शन कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कलेक्शन सी। जैसे कि एक कलेक्शन में हम एक एलिमेंट देख रहे हैं दूसरे एक कलेक्शन से, ठीक है, तो अगर उसमें वो चीज़ मतलब एग्जिस्ट करता है वो एलिमेंट तो ट्रू, और नहीं करता है तो फॉल्स। जैसे कि हम एक कलेक्शन में है, ठीक है, हम दूसरे कलेक्शन कंपेयर करा रहे हैं कि ये वाला जो एलिमेंट सर्च कर रहे हैं एक वो दूसरे में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, तो इसके लिए ये मेथड है। बाकी इक्वल्स साइज, साइज देता है, इटरेटर इटरेट करते हैं जिसके हम रिटर्न एन इटरेटर दैट अलाउज एक्सेस एलिमेंट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, एंड टू एरे
ये कंटिन्यूसली क्या करता है, कलेक्शन रिटर्न करता है, कलेक्शन के जो एलिमेंट्स होते हैं। और ये एक्स्ट्रा जो था एड इंडेक्स, जैसे कि कोई एलिमेंट ऐड कर रहे थे तो बिना इंडेक्स के कहीं पे वो उसके मतलब एक तरह से कॉमनली वो लास्ट में ही ऐड होता चला जाता है। बट अगर हम चाहें तो पर्टिकुलर एक इंडेक्स पे हम उसको ऐड करा सकते हैं इसके फॉर्म दे के। ऐड करेंगे उसके पास एक इंडेक्स देंगे, उसके पास वो एलिमेंट देंगे, तो इस वाले इंडेक्स पे वो एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ऐड ऑल उसी तरह एक पर्टिकुलर इंडेक्स से नए एक कलेक्शन के इंडेक्स में दूसरे जो एग्जिस्टिंग कलेक्शन के एलिमेंट्स हैं वो ऐड होते चले जाएंगे। रिमूव पर्टिकुलर इंडेक्स रिमूव करना है तो गेट पर्टिकुलर इंडेक्स का डेटा गेट करना है तो सेट किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पर डेटा को रिप्लेस करना है तो ठीक है, सब लिस्ट जैसे कि एग्जिस्टिंग जो कोई हमारा कलेक्शन है ठीक है, वहाँ उसमें से सपोज कि इंडेक्स नंबर 5 से लेके 8 तक हम एक नया लिस्ट बना रहे हैं। ठीक, इसीलिए इसलिए हम एक नया लिस्ट बनाया था, सब लिस्ट यूज करेंगे। पहले देंगे हम फ्रॉम किस इंडेक्स से लेकर किस इंडेक्स तक चाहते हैं, उतना कॉपी कर लेता है। इंडेक्स ऑफ किसी ऑब्जेक्ट को देंगे, उसका इंडेक्स पता करेगा, लास्ट इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, गिव द इंडेक्स ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट इट सर्च फॉर द लास्ट वन, मतलब वो ये मतलब कोई मान लीजिए सिमिलर कोई ऑब्जेक्ट है ठीक है, और उसको देखना है कि ये वाला ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में किस इंडेक्स पे आया है। इसके लिए हम यूज़ करेंगे लास्ट इंडेक्स ऑफ, वो ऑब्जेक्ट का नाम देंगे जिससे उस ऑब्जेक्ट का इंडेक्स देगा, तो सबसे लास्ट में आया होगा वो ऑब्जेक्ट इंडेक्स देगा। ठीक है, लिस्ट आइटरेटर इसी तरह, और लिस्ट आइटरेटर इंडेक्स के साथ इट अला लिस्ट आइटरेटर अलाउ टू एक्सेस इन बाई डायरेक्शनल ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ये जैसे कि मतलब नेक्स्ट और प्रीवियस वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो यहाँ पे मतलब मिलता है हमको लिस्ट में। ओके, और यहाँ से हम लिस्ट आइटरेटर में एक पर्टिकुलर इंडेक्स से भी आगे पीछे हम मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पर्टिकुलर पॉइंट, एक हम एक किस पर्टिकुलर पॉइंट से हम यहाँ पे हम आइटरेट कर सकते हैं। तो इन सारे जो मेथड हैं, इन सारे मेथड को हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ओके, तो शायद हमारा खुल गया है। ओके, तो यहाँ से हम एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। ओके, और यहाँ से प्रोजेक्ट जावा प्रोजेक्ट, उसके बाद से प्रोजेक्ट का नाम देते हैं ठीक है, कलेक्शन फ्रेमवर्क। ओके, और इसको हम क्या करते हैं, फिनिश कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा कलेक्शन एक डीएम बन के प्रोजेक्ट, इसके बाद से हम इसमें हम एक क्लास बना लेते हैं ठीक है, जिसमें हम एक अपना लिस्ट का जो है ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। तो लिस्ट कलेक्शन, और जैसे आपका मेन मेटल को हम इनपुट कर देते हैं, तो यहाँ पे एरर दे रहा है, हम पैकेज कर देते हैं ठीक है, और इसके बाद से ये कुछ सेशन करेगा मूव टू पैकेज के अंदर। ओके, तो हमने अपना एक प्रोजेक्ट बना लिया है जहाँ पे हमें एक क्लास बनाया है जिसमें हम लिस्ट के अलग अलग मेथड्स को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसका कन्वेंशन था एक लिस्ट ठीक है, इंटरफेस डेटा टाइप ऑब्जेक्ट न्यू कीवर्ड हमारा क्लास। ओके, तो अगर हम ऐसे देखें लिस्ट, ओके तो स्ट्रिंग हम यहाँ पे इंटीजर देते हैं। ओके, नाम इक्वल टू न्यू। ओके, और यहाँ से हम एरे लिस्ट को यूज कर रहे हैं फिलहाल, और उसके बाद से क्लोज। तो हमें एक के ये एक पैकेज को इंपोर्ट करने को बोलेगा जो कि जावा यूटिल पैकेज है ठीक है, लिस्ट कैन नॉट बी रिजॉल्व और टाइप। ओके, इंपोर्ट ओ सॉरी, यहाँ पे हम लिस्ट एरे लिस्ट। ओके, सो अब इसके बाद से हम क्या करते हैं, हम जो नम वाला है हम एक
प्रिंट करके देखते हैं कि क्या कंटेन कर रहा अभी। नाउ ओके कंट्रोल एस रन करते हैं, एक एम्प्टी एरर दे रहा है। ओके अब हम क्या करते हैं कि हम इसमें जो नम है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहला मेथड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऐड है, ये जो हमारा इंडेक्स के साथ हम एक एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, ऐड ऑल कर सकते हैं, किसी एग्जिस्टिंग एक कलेक्शन को हम ऐड करके उसको ऐड कर सकते हैं, उस एक कलेक्शन को हम एक पर्टिकुलर इंडेक्स से ऐड कर सकते हैं, क्लियर क्लोन बहुत सारे मेथड्स यहाँ पे शो कर रहा है, बट यहाँ पर वन मैन करते हैं। सबसे पहले ऐड को देखते हैं, ऐड करेंगे ठीक है। अब यहाँ पे नंबर है, नंबर के लिए हम मान लेंगे 12 दे दें ओके, और यहाँ पे कंट्रोल एस रन करते हैं 12। इसी तरह हम मान लीजिए कि नम डॉट ऐड, उसके बाद से 1 2 3, उसके बाद से हम देखते हैं चल रहा है कि ना, शॉर्ट आउट काम ही नहीं कर रहा ओके कोई नहीं, पहले एक सेमी कोलन लगाते हैं उसके बाद से ये सेव करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम ऐड परफॉर्म करके हम मल्टीपल डेटा को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अभी 0 1, 1 पे 1 2 3 है और 0 पे 1 2 है। अगर वहीं हम ऐड करना चाहते हैं पर्टिकुलर इंडेक्स पे, नम डॉट ऐड ओके, और क्या कर सकते हैं हम, एक तो हम मतलब एक इंडेक्स दे देंगे, उसके बाद से वो एलिमेंट देंगे कि हम इतने इंडेक्स पे हम ये वाला एलिमेंट चाहते हैं। तो यहाँ पे 0 पे 12 पे और 1 पे 1 2 3 है ठीक है। अभी एग्जांपल ले लें ना कि हम 42 ले लेते हैं, जिससे हम इसके बीच में हम कोई नया एलिमेंट डाल कर देंगे ठीक है। 12 1 2 3 2 3 2। अब यहाँ पे हम एक नया एलिमेंट डालते हैं, इसके बीच में डालेंगे इंडेक्स के साथ ओके। तो ऐड करेंगे और यहाँ पे हम सबसे पहले इंडेक्स डालते हैं, हम बोलते हैं कि 1 इंडेक्स पे हमको 4556 डालना है ओके। 0 1 पे हम देख सकते हैं कि 1 2 3 है। अब यहाँ पे अगर हम इसको सेव करके रन करते हैं तो हमारा 1 2 3 था। अब वहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे हमारा क्या आ गया है एलिमेंट 56। तो इस तरह ऐड से तो एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं और वो एलिमेंट एट द एंड ऑफ द कलेक्शन ऐड होता है। वहीं पर अगर कोई पर्टिकुलर इंडेक्स देके ऐड कर रहे हैं तो वो वहाँ पे हम उस इंडेक्स पे ऐड होता है जो इंडेक्स हम प्रोवाइड कराते हैं ओके। अब क्या करते हैं कि हम एक और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, टीजर ओके, नॉम टू न्यू रिलिस्ट ओके। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, जो नम में हमारा जो डेटा कंटेन हो रहा है ठीक है, उसको हम क्या करेंगे नम टू में ऐड करेंगे, जैसे ऐड ऑल वाला परफॉर्म कर लेंगे हम ठीक है। तो नम टू पहले क्या करते हैं कि नम टू में कुछ डेटा को डालते हैं, नम टू डॉट ऐड 54 9 1 ओके, नम टू डॉट ऐड 9 2, नम टू डॉट ऐड 9 3 ओके। जो हम इसको प्रिंट अगर कराएं सिस्टम एंड डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ओके, और नम टू अगर प्रिंट कराते हैं तो हमें दो अलग अलग एरे मिलेंगे ठीक है। ये हमारा जो दूसरा एरे है, ये पहला एरे है